फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंटरव्यू एंड इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। बेसिकली एन इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। ये दो लोगों के बीच का एक कन्वर्सेशन होता है जिसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई इन्वॉल्व होते हैं। इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेता है एंड इंटरव्यूई वो होता है जो इंटरव्यू देता है या देने के लिए वहाँ पर जाता है। वेयर क्वेश्चन आर आस्क्ड बाई द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू। जहाँ पे इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यूई से जो इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे जाता है। तो ये दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन होता है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के कुछ टाइप्स होते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, बिहेवियरल इंटरव्यू, देन फोन इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू एंड टेक्निकल इंटरव्यू। इनको भी हम डिटेल में आगे जानेंगे। फेस टू फेस इंटरव्यू, फेस टू फेस जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें इंटरव्यूई एंड इंटरव्यूअर दोनों आमने सामने बैठ के बात करते हैं, जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। सो सेम इसी तरह से इंटरव्यू इसमें होता है। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई आमने सामने बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे इंटरव्यूअर क्या करता है, क्वेश्चंस पुट अप करता है इंटरव्यू के सामने और इंटरव्यूई उसके क्वेश्चंस का आंसर देता है। जहाँ पे इंटरव्यूअर जो हमारा होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, वो डिफरेंट स्किल्स इंटरव्यू के अंदर ढूंढता है क्वेश्चंस पूछ के। देन हमारा आता है फ़ोन इंटरव्यू या टेलीफोन इंटरव्यू। तो इसके भी नाम से ही पता लग रहा है कि इसका क्या वर्किंग होगी। ये टेलीफोन इंटरव्यू मींस हमारा ये इंटरव्यू टेलीफोन के थ्रू होता है। टेलीफोन यानी एक कॉल आता है इंटरव्यूई के पास, इंटरव्यूई जिसे इंटरव्यू देना होता है उसके पास एक कॉल आता है इंटरव्यूअर का और पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है और उस टाइम पर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पुटअप करता है, इंटरव्यूई उसके क्वेश्चन का आंसर देता है और इंटरव्यू इसी फ़ोन पर फिनिश हो जाता है। बाद में डिसाइड होता है कि इट्स पर्टिकुलर इंटरव्यूई का सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। इंटरव्यूअर जो होता है वो क्वेश्चंस इसमें लिखता रहता है अपने पास में, क्वेश्चन एंड आंसर। देन आता है हमारा पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू, पैनल का मतलब होता है कोई भी कमेटी या सेलेक्शन कमेटी। पैनल मीन्स अ सेलेक्शन कमेटी दैट इज़ अपॉइंटेड फॉर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट। एक पैनल इसमें बनाया जाता है, मींस एक कमेटी, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो इंटरव्यू लेती है। फॉर एग्जांपल आईएएस का इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे एक इंटरव्यूअर नहीं होता है, वहाँ पे मोर देन वन इंटरव्यूअर होते हैं और अपना वो लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। आप इसमें भी इमेज देख सकते हैं कि तीन इंटरव्यूअर बैठे हैं और एक इंटरव्यू बैठा है यहाँ पे। तो मोर देन वन इंटरव्यूअर हो सकते हैं इसमें, लेकिन इंटरव्यूई एक ही होगा। पैनल में इंक्लूड 3 और 5 मेंबर्स। पैनल में 3 या 5 मेंबर हो सकते हैं। क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू कैंडिडेट अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड मार्क्स आर गिवन टू ईच कैंडिडेट। इसमें मार्किंग भी होती है, वो तो डेफिनेटली हर इंटरव्यू में होती है। फाइनल डिसीजन आर टेकन बाय ऑल मेंबर्स कलेक्टिवली बाय रेटिंग द कैंडिडेट। इसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एक कोई पर्टिकुलर इंटरव्यूअर नहीं लेता है, बल्कि पूरी कमेटी जो होती है वो सब मिल के डिसीजन लेते हैं कि हमको किसको सेलेक्ट करना है और कैसी मार्किंग देनी है। फिर हमारा आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। द इंटरव्यू अटेम्प्ट्स टू फाइंड हाउ एप्लीकेंट्स वुड रिस्पॉन्ड टू एग्रेसिव एम्ब्रेसिंग रूड एंड इंसल्टिंग क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यूई से पूछे जाते हैं कि जिसपे कोई भी भड़क सकता है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसमें ये चेक किया जाता है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी एग्रेशन जिसके अंदर आ जाए, एग्रेसिव रिस्पांस दे, कोई भी ऐसी सिचुएशन को पैदा किया जाता है, मींस ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और चेक किया जाता है कि एक पर्टिकुलर इंटरव्यूई ऐसे टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अ स्ट्रेस इंटरव्यू अलाउज इंटरव्यूअर्स टू सी हाउ वेल यू वर्क अंडर प्रेशर। कि आप जहाँ पे प्रेशर होगा वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो इंटरव्यूई होगा वो कैसे, जब सिलेक्शन उसका हो जाएगा तो वो कैसे वहाँ पे वर्क करेगा। टेक्निकल इंटरव्यू, दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू फोकसेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। द क्वेश्चंस एम एट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लाइकली शो योर एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी।
इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने क्रिएटिवली आप किसी बात का जवाब देते हैं और कितना क्रिएटिवली आप अपना माइंड को चलाते हैं। जैसे IAS के बहुत से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे एक पेटी में 10 आम है, उसमें दो सड़ गए तो कितने बचे? तो इसमें सब यही कहेंगे दो सड़ गए 8 बचे, लेकिन एक्चुअल में सड़ गए तो हैं तो वो पेटी में ही, तो 10 10 थे और 10 ही बचे, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी माइंड की चेक की जाती है कि माइंड कितना क्रिएटिवली वर्क करता है। बिहेवियरल इंटरव्यू, अ कॉमन टाइप ऑफ जॉब इंटरव्यू इन द मॉडर्न वर्क प्लेस इज द बिहेवियरल इंटरव्यू और बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू, ऑल्सो कॉल्ड अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट अ जॉब कैंडिडेट्स प्रीवियस बिहेवियर्स आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। यहाँ पे कुछ प्रीवियस नोशंस लिए जाते हैं, मतलब कहाँ पे आपने काम किया और कैसा वहाँ पे आपका रेटिंग रही है आपकी, तो इससे इसके थ्रू जज करते हैं कि आप कैसा यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि प्रीवियस जहाँ पे हमने काम किया होता है उसके थ्रू कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि हमारे वहाँ ये कैसे काम करने वाले हैं। तो इसमें प्रीवियस रेटिंग्स को या जहाँ पे उन्होंने वर्क किया है वहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू तब होता है जब कोई एम्प्लॉई जॉब को छोड़ के जाना चाहता है। व्हेन एन एम्प्लॉई लीव्स द कंपनी ही इज़ इंटरव्यूड आइदर बाई हिज इमीडिएट सुपीरियर और बाई द HRD मैनेजर। दिस इंटरव्यू इज कॉल्ड एन एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू इज टेकन टू फाइंड आउट वाई द एम्प्लॉय इज लीविंग द कंपनी। ये इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि हम रीज़न जानना चाहते हैं आखिर कोई पार्टिकुलर एम्प्लॉय क्यों हमारी कंपनी को छोड़ना चाहता है, क्योंकि हमें यह भी जानना होता है कि कहीं हमारी एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉलिसीज तो ऐसी नहीं है कि हमारे सारे एम्प्लॉय धीरे धीरे छोड़ कर चले जाएँ। इसलिए कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो हम फौरन चेक करते हैं कि आखिर ये क्यों जा रहा है, ताकि हम अपने तरफ से अलर्ट रहें और हमारी कोई पॉलिसी अगर ऐसी है जो एम्प्लॉयज़ को नहीं पसंद आ रही है या जिसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं अगर, तो हम उसको चेंज भी करें। इसीलिए हम प्रॉपरली इंटरव्यू लेते हैं कि आपको कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हमारी पॉलिसी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने पर्सनल रीजन से छोड़ के जा रहे हैं या अपने कोई प्रोफेशनल रीज़न है छोड़ने का, तो ये सब हम पूछते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।